corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, conflict, environment, art, gender, development, corruption. हमारा भारत संस्कृति प्रधान देश है, जो पारंपरिक रीति रिवाज भी इसी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। अगर इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा ज़्यादातर रीति रिवाज महिलाओं की स्थिति में समाज में और कमजोर बना देती है। ऐसे एक प्रथा है पत्थर का महीना। महाराष्ट्र राज्य में मराठी में इसे धोंडे का महीना कहते हैं। धोंडे का मतलब पत्थर। इस महीने में घर के जमाई को बेटी के घर बुलाते हैं, उसे अच्छे अच्छे पकवान, कपड़े लत्ते और सोने के गहने दिए जाते। आपकी शादी को कितने साल हुए? हमारे शादी को 26 साल हुए। तब से ये परंपरा चालू है? हाँ, तब से ये महीना आता है तो ये परंपरा। आपको क्या लगता है, ये जो परंपरा है पत्थर के महीने की, वो अच्छी है कि बुरी है? वो तो बुरी है, लेकिन क्योंकि ये सब करना पड़ता है, इतना वो खर्चा करना पड़ता है माँ पिताजी को, इसलिए ये बुरी लगती है। ही जी धोंडेच्या महिन्याची परंपरा आहे, ही तुम्हाला कशी वाटते, चांगली आहे की वाईट आहे? अरे चांगली, पण ते परिस्थितीमुळे ते सांगता येत नाही, तसं पुढची गोष्टी ते सगळ्याचे हे असल्या जगात चाललेलं असल्या कारणाने ते करावं लागतं। आणि तुम्हाला आता हे सगळं खर्च करायला, सोनं द्यायला, जावयाला, कपडे द्यायला पैसे होते का तुमच्याकडे? नव्हते। मग तुम्ही काय केलं? काय कर्ज काढून ते केलं, कर्ज घेतलं फेडायचं, कसंही काळजी वाटते आता। हे प्रथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दहेज को बढ़ावा देने वाली है। ऐसे में अगर किसी मध्यम वर्गीय मराठी परिवार के लिए कंधे पर एक बोझ है जो उन्हें चाहे अनचाहे ढोना पड़ता है। कुछ लोग इस परंपरागत रीति रिवाज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर समाज के बंधनों के कारण इसी रीति रिवाज से निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और तुम्हें क्या लगता है, ये जो परंपरा है वो ऐसी चालू रहनी चाहिए या बंद पड़ने चाहिए? नहीं है, ये काल के अनुसार ये बंद होना चाहिए। तुम्हें क्यों बुरा लगता है, पिताजी ये सब कहते हैं, उनको तो आनंद होता है ना, तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? नहीं, ये तो सब वो लोग कर्जा लेके करते हैं ना, इसलिए वो बाद में इनको ये सब पैसा देना पड़ता है, इसलिए रिवाज ये रीति परंपरा बंद होनी चाहिए। जो सामान्य लोग है वो बहुत परंपरा पालते हैं और इन रीति रिवाज को भगवान से जोड़ते हैं और कहते हैं अगर इनका पालन नहीं हुआ तो भगवान कुछ अनर्थ कर देगा, इसलिए वो किसी से भी कर्जा लेकर ये परंपरा करते हैं और जब कर्जा नहीं जाता तो आत्महत्या करते हैं। कब तक चलेगा ऐसा एक तरफा व्यवहार? शासन कहता है दहेज देना और लेना गुनाह है, फिर ये परंपरा के नाम पर एक तरफ से दहेज ही तो है। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के बल्ले गाँव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।